हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स की। तो देखिए, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स क्या होते हैं कि एज द नेम सजेस्ट इट मल्टीप्लाइज द इनपुट वोल्टेज। मतलब मान लीजिए हमने कोई भी हमारा ये सर्किट है, इसको हम सपोज कीजिए इनपुट दे रहे हैं 5 वोल्ट, ठीक, और हमें आउटपुट चाहिए से 10 वोल्ट, यानी 5 × 2, 2 टाइम्स कर दे आउटपुट को। या हमने कहा इनपुट हम दे रहे हैं 5 वोल्ट और हमें आउटपुट चाहिए 15 वोल्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट जो भी हम दे रहे हैं उसको 3 टाइम्स कर दे, ठीक। तो इस तरह के जो सर्किट होते हैं, जो इनपुट को जो भी ऐसा रेक्टिफायर सर्किट जो इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू को, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सारी वीडियोस जो है चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको रिफर कर सकते हैं। तो ऐसा रेक्टिफायर सर्किट जो इनपुट वोल्टेज के पीक वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देता है, मींस उसको 2 टाइम्स कर देगा, 3 टाइम्स कर देगा, इवन 4 टाइम्स कर देगा। तो इस तरह के जो सर्किट को हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स कहते हैं। कि सिंपली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस अ डीसी वोल्टेज इक्वल टू अ मल्टीपल ऑफ द पीक ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज इज कॉल्ड अ वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, ठीक है। इसमें होता क्या है, ए वोल्टेज मल्टीप्लायर इज बेसिकली, वोल्टेज मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो रेक्टिफायर सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, उन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। 2 या 2 से ज्यादा रेक्टिफायर सर्किट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको हम वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट वोल्टेज, यानी वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को हमको क्या आउटपुट चाहिए, उस हिसाब से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2-3 कैटेगरीज में, ठीक। पहला तो जैसे हो गया आपका, उसको आप कह सकते हैं वोल्टेज डबलर। ये क्या करता है, ये इनपुट वोल्टेज की जो भी पीक वैल्यू है उसका 2 टाइम्स आउटपुट वोल्टेज देता है। नेक्स्ट हो गया आपका वोल्टेज ट्रिपलर, ये 3 टाइम्स कर देता है। और नेक्स्ट हो गया आपका वोल्टेज क्वाड्रपलर, ये क्या करेगा, ये आपका 4 टाइम्स कर देगा, वोल्टेज क्वाड्रपलर एंड सो एटसेट्रा, ठीक, 5 टाइम्स 6 टाइम ऐसे। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट को आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जो वोल्टेज डबलर होते हैं, ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ रेक्टिफायर 2 तरह के आते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसे ये जो आपके वोल्टेज डबलर सर्किट होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। इनको आप कह सकते हैं एक हाफ वेव वोल्टेज डबलर, वोल्टेज डबलर, और दूसरा आप कह सकते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट कितने तरह के होते हैं। अब इनको हम 1 by 1 एक एक करके लेके चलेंगे। पहले हम वोल्टेज डबलर को डिस्कस करेंगे, फिर वोल्टेज ट्रिपलर को, और फिर वोल्टेज क्वाड्रपलर को। तो नाउ वी स्टार्ट विद वोल्टेज डबलर। वोल्टेज डबलर में पहला तरह का क्या है, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, बेसिकली रेक्टिफायर होता है, मतलब कि एक डायोड होगा और एक कैपेसिटर होगा, जो मेन वर्किंग है वो डायोड और कैपेसिटर की ही होती है। तो जैसे अब हम लोग पहले बात करते हैं किसकी, हाफ वेव वोल्टेज डबलर की, ठीक है। हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या होता है, इसमें आप सर्किट बनाइए, मान लीजिए यहाँ पे आपने इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं आप VI, ठीक। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक कैपेसिटर लगा दीजिए, एक डायोड इधर, एक डायोड इधर, ठीक है। ये मान लीजिए आपने लगा दिया D1 डायोड, और ये लगा दिया आपने D2 डायोड, और ये है कैपेसिटर, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें सिंपली और हमको से मान लीजिए हमें आउटपुट लेना है, तो
तो हम आउटपुट कहां पे लेंगे, आउटपुट लेने के लिए आप एक यहां पे लोड रेजिस्टेंस लगा दीजिए आरएल, जहां पे हमको आउटपुट वोल्टेज लेना है, ठीक। और इस डायोड को, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे इसमें कि देखिए इसमें क्या होगा कि जब हम हाफ वे वोल्टेज की पहले निगेटिव हाफ साइकिल में एट द पीक ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल, जब जैसे हमने इनपुट सिग्नल दिया इसको, से सपोज कीजिए ये, ठीक है, इस तरह से इनपुट सिग्नल है, ये टाइम हो गया आपका, ये एम्पलीट्यूड हो गया, आप लोग जानते हैं। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल का पीक होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस जब इस वैल्यू पे, यानी ये वैल्यू मान लीजिए हमने कहा दिस इज माइनस बी एम एंड दिस इज बी एम प्लस, तो क्या होगा निगेटिव हाफ साइकिल पे जब आप यहां पे ऐसे ये पोलरिटी रहेगी तो डी वन क्या होगा, डी वन फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ठीक। और डी टू क्या होगा, डी टू रिवर्स बायस होगा, ठीक। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये सारी चीजें मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, सारे वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, उनको आप रिफर कर सकते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका, अच्छा इसमें क्या कीजिए कि चूंकि आपका, आपने यहाँ पे दो डायोड लगाया हुआ है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप एक कैपेसिटर और लगा लीजिए, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि जब नेक्स्ट उसमें जरूरत पड़े, ये मान लीजिए आपने लगा लिया C2, ये C1, इस तरह, ठीक है। अब क्या होगा कि इस स्थिति में D1 आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, ये आपने यहां पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक, और D2 क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ये, ठीक। तो निगेटिव स्थिति में क्या हो जाएगा कि C1 जो कैपेसिटर है वो आपका वो पीक वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा, यानी इस सिचुएशन में C1 कैपेसिटर इस पोलैरिटी के हिसाब से Vm तक चार्ज हो जाएगा, ठीक, पहली चीज। अब उसके बाद एट द, अब आ जाइए निगेटिव हाफ साइकिल के बाद जब आप पॉजिटिव के पीक पे पहुंचेंगे यहां पे, तो क्या होगा, तो सब पहले आप क्या कीजिए कि जो ओरिजिनल सर्किट था वो आप लगा लीजिए, ठीक, ये डायोड था और एक डायोड यहां पे था, इस तरह, ठीक। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटी इस तरह हो जाएगी, इसमें क्या होगा D1 जो है आपका और D2, ठीक, D1 क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव पीक में D1 आपका ओपन सर्किट हो जाएगा और D2 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि इसको आप कर दीजिए शॉर्ट सर्किट और इसको कर दीजिए ओपन, ठीक। ये जो पोलैरिटी पहले की थी इसको अब इस समय देखिए क्या होगा, इस कंडीशन में आपका ये कैपेसिटर फिर चार्ज होगा और किस पोलैरिटी में, इस पोलैरिटी में, ठीक है। लेकिन उसमें तो जैसे आपका C1 चार्ज हुआ था, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे C2 चार्ज हो जाएगा, ठीक। जैसे C1 पे तो ये चार्ज, ये पोलैरिटी, ये वैल्यू थी ही पहले से, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये C2 कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, और कितना चार्ज हो जाएगा भाई, Vi इक्वल टू इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm है, तो Vm ये और प्लस Vm ये, यानी 2Vm ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये 2Vm चार्ज हो जाएगा तो इसमें एक, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 2Vm कैपेसिटर C2 के अक्रॉस, ठीक है। अब यहां पे जब आप एक लोड रेजिस्टेंस कंसीडर, ये C2 है, ठीक, अब इसके अक्रॉस जब आप एक, ये इसका काम खत्म हो गया, जब आप इस कैपेसिटर को एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, तो यहां पे वी आउट कितना आ जाएगा, 2Vm आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू थी
उसका टू टाइम्स इसने कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको वोल्टेज डबलर बोलते हैं। और चूंकि इसमें आधा काम एक हाफ साइकिल में होता है और आधा काम दूसरी हाफ साइकिल में होता है, मतलब आधा काम निगेटिव हाफ साइकिल में और दूसरा हाफ पॉजिटिव पीक में, तो इसीलिए इसको हाफ वेव वोल्टेज डबलर कहते हैं। क्लियर? अब जैसे आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, अब सिमिलरली हम बात करेंगे फुल वेव वोल्टेज डबलर की। अब हाफ की जगह यानी कि एक पूरी साइकिल में चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमको आउटपुट मिलना चाहिए। अब यहां लिखिए फुल वेव वोल्टेज डबलर। फुल वेव वोल्टेज डबलर का सर्किट डायग्राम जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको सर्किट देख के ही समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको फुल वेव नाम दिया गया है। मान लीजिए ये आपका इनपुट सप्लाई हो गई, ठीक, अभी इसको छोड़े रही ऐसे ही, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, एक डायोड लगा दिया, क्लियर। उसके बाद डायोड के बाद आपने लगाया यहां पे एक कैपेसिटर, ठीक। उसके बाद यहां पे फिर आपने दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, और फिर आपने एक डायोड लगा दिया इस तरह, क्लियर। और ये दोनों डायोड ऐसे आपने जोड़ दिए, इनपुट आपने इस तरह दे दिया, ठीक, और आउटपुट ले तो D1 D2 आप इसको कर दीजिए, ये D1 हो गया, ये C1 हो गया, ये D2 हो गया, ये C2 हो गया, और आउटपुट हम ले रहे हैं इसके अक्रॉस RL, यहां पे हम V आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अब देखिए आप इसमें भाई, अगर हम यहाँ पे इनपुट सप्लाई क्या देंगे, अगर हम इनपुट सप्लाई ये दे रहे हैं, ठीक, देखिए क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मान लीजिए हमने कहा ये स्थिति है, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, D1 फॉरवर्ड बायस होगा, तो C1 कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इस पोलरिटी में इस तरह, कितना चार्ज हो जाएगा, वही Vm तक, ठीक। और ये जब पॉजिटिव है तो D2 ऑफ रहेगा उस समय। अब आ जाइए निगेटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में जब पोलरिटी इस तरह हो जाएगी तो क्या होगा, D1 ऑफ हो जाएगा और D2, देखिए ये आप पॉजिटिव लगा रहे हैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव आया, ये इस तरह D2 ऑन रहेगा, D2 के ऑन रहने से क्या होगा, आपका C2 जो है कैपेसिटर C2 वो चार्ज हो जाएगा, और ये भी कहाँ तक चार्ज होगा, ये भी इसी, भाई आपने पॉजिटिव ऐसे दिया ना, तो इसी पोलरिटी में पॉजिटिव निगेटिव इस तरह ये भी चार्ज हो जाएगा आपका Vm तक, ठीक। तो वी आउट आपको Vm और प्लस Vm यानी आपको 2 Vm आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया आपका फुल वेव वोल्टेज डबलर। इसमें क्या है कि आपको कंटिन्यूअस वोल्टेज मिलता रहेगा, उसमें क्या है कि पॉजिटिव पीक में एक कैपेसिटर चार्ज होगा, निगेटिव पीक में दूसरा कैपेसिटर चार्ज होगा, और तब जाके आपको 2 Vm मिलेगा। यहाँ पे आपको आप ये इनपुट दीजिए और आपको कंटिन्यूअस आपको 2 Vm आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका वोल्टेज फुल वेव वोल्टेज डबलर, ठीक है। तो डबलर मैंने आपको दोनों तरह के बता दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, क्या लिखा था हमने, वोल्टेज ट्रिपलर। देखिए सब में बेसिक वही है, दो ही चीजें हैं, डायोड है और कैपेसिटर है। कैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डायोड की क्या स्थिति है, केवल आपको ये देखनी है, आप सारे सर्किट बना लेंगे, ठीक। अब आप लिखिए वोल्टेज ट्रिपलर, ठीक है। अब वोल्टेज ट्रिपलर क्या होता है, ए सर्किट दैट रेजेस द DC वोल्टेज लेवल टू 3 times द पीक ऑफ इनपुट AC वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज ट्रिपलर। तो वोल्टेज ट्रिपलर में आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि भाई ट्रिपलर करना है तो हमको 3 डायोड चाहिए होगा, 3 कैपेसिटर चाहिए होगा, ठीक। तो इसमें आप बस सर्किट आप देख लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। ये हो गया, एक कैपेसिटर लगाया आपने, ये डायोड लग गया, ठीक है, इसको चाहे तो आप नाम देते चलिए,
ये सी वन हो गया, डी वन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सी टू डी टू, फिर आपने लगाया यहां पे सी टू और यहां लग गया, ये हो गया सी टू, ये हो गया डी टू, फिर आप आगे चलिए, ठीक है, फिर सी थ्री डी थ्री, फिर ये हो गया सी थ्री और डी थ्री, ठीक, ये आपका इनपुट वोल्टेज है। अब आप इसमें देख लीजिए क्या होगा, मेन है इसकी वर्किंग समझना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो पहले जो सेक्शन है वो आपके देखिए यहां तक तो ये डबलर की तरह ही काम कर रहा है, यहां तक मिला लीजिए आप डबलर के सर्किट से, और उसके बाद जो एक सेक्शन आपने जोड़ा है, ठीक है, तो इसमें जब डबलर की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा भाई, सी वन आपका चार्ज होगा कहां तक, अभी हम लोग पढ़े हैं डबलर में वीएम तक, ये चार्ज हो जाएगा कहां तक, वीएम तक, ठीक है, और चार्जिंग की जो पोलरिटी रहेगी, ठीक है, वो आपकी माइनस प्लस और ये भी आपकी माइनस प्लस ऐसे रहेगी, ठीक। अब आ जाइए सी थ्री में, ठीक है, तो अगेन एट द निगेटिव हाफ साइकिल डी थ्री इज फॉरवर्ड बायस, यानी जब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा भाई, देखिए ये है आपका इनपुट ना, ये तो पहले पॉजिटिव में और निगेटिव में तो ये डबलर वाला काम हो गया, अब ये पॉजिटिव में छोड़िए, इस पे आइए निगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि एट द निगेटिव हाफ साइकिल डी थ्री इज फॉरवर्ड बायस, तो यहां पे अगर आप इस तरह पोलरिटी करेंगे इसको तो क्या होगा, डी थ्री फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसके फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा कि सी थ्री आपका चार्ज हो जाएगा, कहां तक चार्ज हो जाएगा, वीएम वैल्यू तक, ठीक है, आपका सी थ्री जो है वो यहां तक डबलर का काम हो चुका था तो ये टू वीएम तक चार्ज हो जाएगा, ठीक। द ट्रिपलर आउटपुट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस सी वन एंड सी थ्री, तो जो ट्रिपलर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम कहां से किस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये ट्रिपलर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम C1 और यहां पे लेंगे V आउटपुट C1 और C3 के अक्रॉस, तो यहां पे देखिए 2VM प्लस VM, तो V आउटपुट कितना आ जाएगा 3VM, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलर बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने कहा कि नेक्स्ट है आपका क्वाड्रपलर, ठीक है, जो फोर टाइम्स कर दे आउटपुट को, तो देखिए क्वाड्रपलर में क्या होगा, अभी इसको हम कुछ नहीं चेंज करेंगे, एक सेक्शन और बढ़ा देंगे बस, क्वाड्रपलर में क्या होगा कि सब कुछ सर्किट आप यही रखिए, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी में आप एक कैपेसिटर और एक डायोड और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो यहां तक आपने बना लिया, इसके बाद आपने कहा एक कैपेसिटर और यहां बढ़ गया और एक डायोड और बढ़ गया, बस इतना फर्क, ये सी फोर डी फोर, बस इतना फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक देखिए वोल्टेज डबलर था, ये वोल्टेज ट्रिपलर था, यहां पे वोल्टेज क्वाड्रपलर हो गया, इसमें बस मेन रहता है आपको कि आउटपुट कहां पे लेना है। तो देखिए जब इसी तरह हम जब चार्जिंग सब करेंगे तो ये वीएम हो जाएगा, ये टू वीएम हो जाएगा, सी थ्री भी आपका टू वीएम हो गया और सी फोर भी जो आपका चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, टू वीएम चार्ज हो जाएगा, आप करके देख लीजिए। बस मेन है हम इसमें जो आउटपुट लेंगे वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस लेंगे, यहां पे आ जाएगा आपका 2VM यहां पे है और 2VM यहां पे है, तो 2VM और 2VM आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2VM है ना, तो V आउटपुट हो जाएगा 2VM प्लस 2VM, ये आपका 4VM आ जाएगा, ये आपका काम करेगा
वोल्टेज क्वाड्रपलर की तरह। आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या स्थिति बनती है, फिर निगेटिव में, फिर पॉजिटिव में और फिर निगेटिव करेंगे तो आपका 4 times आउटपुट आ जाएगा। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट जो होते हैं उनका यही काम होता है कि जो भी इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू है उसके मल्टीपल में आपको आउटपुट चाहिए 2 times, 3 times, 4 times and so on वो प्रोड्यूस कर देते हैं। उसमें मेन जो कंपोनेंट रहते हैं यही डायोड और कैपेसिटर। डायोड की स्थिति क्या है, शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है, मतलब फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, और कैपेसिटर उसी हिसाब से कैसे चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। जब आप इसको करेंगे, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की होगी डायोड वाली रेक्टिफायर वाली, अगर जो मेरी प्रीवियस वीडियो को रेफर करता हुआ आ रहा है उसको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, अब इसमें जो मेन चीज रह जाती है कि वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट तो भाई बढ़िया चीज है, 2 times, 3 times, इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि नेसेसिटी ऑफ वोल्टेज सॉरी मल्टीप्लायर सर्किट्स, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स की जरूरत कहां पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे आपकी सीआर, जैसे आपका सीआरटी हो गया, टीवी में पिक्चर ट्यूब होती है, हालांकि अब तो जो नई टीवी आ रही है उसमें एलईडी एलसीडी और ये सारी चीजें हैं, लेकिन पुराने टाइम में जो सीआरटी वाली टीवी आती थी या पिक्चर ट्यूब वाली टीवी आती थी उनमें जरूरत पड़ती थी। तो आप लिख सकते हैं इसमें नेसेसिटी ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर में कि जैसे सीआरटी के और आपका टीवी की पिक्चर ट्यूब्स होती हैं, पिक्चर ट्यूब्स, ठीक है, और ऑस्किलोस्कोप होते हैं। ऑस्किलोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा लैब वगैरह में, ठीक है, डिफरेंट तरह की वेवफॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं, डिफरेंट तरह के सिग्नल। आप साटूथ वेवफॉर्म दे दीजिए, साइनसोइडल दे दीजिए, स्क्वायर वेव दे दीजिए, पल्सेस दे दीजिए, तो उसको मॉनिटर पे हम देखते हैं इस पे ऑस्किलोस्कोप पे, ठीक है, और कंप्यूटर डिस्प्लेस पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मेनली जो वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है वो आपके सीआरटी हो गया, टीवी की पिक्चर ट्यूब्स हो गई, कंप्यूटर डिस्प्ले हो गया, ठीक है, ऑस्किलोस्कोप हो गया, ठीक है, इन सब जगहों पे आपको वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट की जरूरत पड़ती है। ऑस्किलोस्कोप में आप लोग लैब में गए होंगे, आपने देखा भी होगा ऐसे नॉब रहता है, उससे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं घटाते हैं वो सारी चीजें। ठीक, तो आप फाइनली ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वेयर हाई वॉल्यूम एट लो करेंट इज रिक्वायर्ड, डिजाइनर यूज टू प्रिफर दोज पावर, या सीधा सीधा आप ऐसे समझ लो कि जहां पे आपको हाई वोल्टेज, ठीक, लेकिन विद लो करेंट, ये ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको वोल्टेज तो हाई चाहिए लेकिन करंट लो चाहिए, ऐसी जगहों पे हमको वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स की जरूरत पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको लेक्चर से साफ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है, या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट लाइन में उसको मेंशन कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का इससे फायदा हो। थैंक यू।